किशन क्या बना रहा है भाई? ये ऐसी चीज बना रहा हूँ मैं हाँ। जो पूरे जम्मू शहर में किसी को नहीं पता, सिर्फ नेपाल के जो बंदे होंगे ना उनको पता होगी। मुझे तो पता ही नहीं है भाई, तू नेपाली नहीं है, तू जम्मू का ही है। अच्छा मैं नेपाली नहीं हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज काफी दिन के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आप सभी को मतलब काफी दिन के बाद मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफी बिजी था पीछे, बिजी इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा जॉब से लेकर अपने डेली लाइफ से लेकर मतलब थोड़ा शेड्यूल मेरा काफी बिजी था, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। तो इन बिटवीन मेरे काफी रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने बोला कि यार बस तू तो एक दो ब्लॉग शूट करके गैप हो गया। तो यार अब उनको फिर मैंने बताया कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बिजी था। मतलब आपको पता ही है, मतलब लाइफ मतलब अपना एक ऑफिशियल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, तो दोनों को मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। तो वैसे चलो कुछ ऐसा नहीं है, तो अब तो मैं मतलब बेला हूँ, हो सकता है मैं डेली ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, प्लान कुछ ऐसा है। फिलहाल तो अभी भी मैं कुछ चार पाँच दिन बिजी हूँ बिकॉज घर में थोड़ा सा पेंट का काम लगा हुआ है। जैसे आपको पता है ये सब दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं मतलब जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद एक बार आपको बता सारा दिखाऊंगा मैं दिवाली की पूरी प्रिपरेशन। मतलब इस मैंने सोचा है कि दिवाली का जो पूरा डेकोरेशन होगा वो मतलब मैं अपने पसंद से करूंगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं दशहरे का ब्लॉग भी बनाऊंगा, बट यार ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे 9 दिन बर्थ होते हैं नवरात्रों में, तो इस बार मैं दशहरे में तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो उस वजह से मैं ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाया। बट कोई नहीं, मैं दिवाली में जरूर करूंगा और दिवाली आने तक कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगा हर एक दिन का, हर एक सिचुएशन का। तो अभी फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ नाश्ता करने क्योंकि अभी मेरे को भूख लगी है। तो आज मेरी छुट्टी जॉब में, तो आज पूरा दिन जो भी होगा तो आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है? तो देखते रहिए वीडियो साथ। तो जैसे मैंने कहा था कि पूरा दिन मैंने आज क्या क्या करूँगा मैं बताऊँगा, बट हुआ ऐसा कि मैं और मेरा फ्रेंड, अभी मैं बताऊँगा आपको, बताना कि बता देता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है दिशांत। हाय गाइस, ठीक है? तो मैक्सिमम वैसे ये मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड ही बोल सकते हो, भाई की तरह है, ठीक है? तो एक्चुअली हुआ कि ना मतलब हमारा प्लान था कि हम लोग आज कहीं पर जाएंगे, बट हुआ ऐसा कि 12 बजे हम लोग कहीं पर गए। एक्चुअली मुझे ना अपने बाल का कुछ ट्रीटमेंट करवाना था, तो ट्रीटमेंट करवाने का रीज़न ये हुआ कि हम जैसे वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना थोड़ा जैसे काम हुआ उसके बाद ना लाइट चली गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो लाइट आई 2-2.5 घंटे बाद और उनका इन्वर्टर वगैरह सब खराब था। हमारी किस्मत ही खराब थी, अब क्या बोल सकते हैं ना, किसी को दोष नहीं दे सकते। तो वो सब करवाने के बाद तो हम लोग घर में आए थे कोई 4 बजे। उसके फिर घर में थोड़ा, आपको जैसे पता है कि पेंट का काम लगा हुआ, तो घर में छोटा मोटा काम करते करते टाइम लग गया। तो बस अभी जब हम दोनों बैठे थे तो बस बात कर रहे थे कि मतलब आज का सारा प्लान तो हमारा पेंडिंग हो गया, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक जब हमारी दोबारा से छुट्टी होती है तो हम लोग फिर से मिलते हैं। तो अब ये होगा कि आगे जो मेरा ब्लॉग है उसमें दिशांत भी बीच में आएगा ज़रूर, ठीक है? तो वैसे मतलब आज से जो आगे का जो मेरा ब्लॉग है, मतलब डेली तो नहीं पर जब भी मैं बनाऊँगा मोस्टली हर वीडियो में दिशांत बीच में होगा, ठीक है? दिशांत क्या बना रहा है भाई? ऐसी चीज़ बना रहा हूँ मैं हाँ, जो पूरे जम्मू शहर में किसी को नहीं पता, सिर्फ नेपाल के जो बंदे होंगे ना उनको पता होगी। मुझे तो पता ही नहीं है भाई, तू नेपाली नहीं है, तू जम्मू का ही है। अच्छा मैं नेपाली नहीं हूँ। एक्चुअली क्या ना मैं बताता हूँ हुआ क्या रीजन कि ये है चाओ चाओ, ठीक है? भाई भाई मतलब आप लोगों को पता है भाई भाई, इसने कल ना तोड़ते बैठ के मतलब अभी कल रात को मुझे बता रहा था कि इसने एक वीडियो देखा, देखो पहले बताते चाओ चाओ, आप लोगों को पता ही है ना, इसने रात को ना एक वीडियो देखा होगा ना यूट्यूब में। तो अभी बैठ के बात करते, मैंने ना एक वीडियो देखा तो उस वीडियो में मतलब एक आंटी ना ऐसे चाओ चाओ बना रही थी, तो मेरे को ना पसंद आया, तो अभी ये गया दुकान और लेके, क्योंकि हम दोनों अभी बेले बैठे हुए मतलब किसी का वेट कर रहे हैं। तो देखो वैसे इसने सही बनाया, देखो तू खाएगा कि मैं खाऊंगा? भाई मैं खाऊंगा, पहले तू ही खा, पर एक्सपेरिमेंट तू कर ले फिर मैं देखता हूँ। भाई ये सबसे अच्छा पता है तुझे? नहीं यार, ये बनाने से ना ऐसे सूखा खाना से अच्छा है, पहले तू ट्राई कर फिर मैं देखता हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी सुबह के 11 बज गए और मैं पहुंच चुका हूँ अपने ऑफिस। तो रात को एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था, दिशांत को ड्रॉप करके आया और आकर खाना खाना बाके मैं सो गया था। तो सुबह भी आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, ठीक है? तो बस अभी ऑफिस पहुंचा हूँ और मैं सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कुछ काम पेंडिंग है, वो काम वाम करके फ्री होता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आपको मैं थोड़ा सा अपना जहाँ पे मैं काम करता हूँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? और उसके बाद फिर जब काम खत्म होता है फिर मिलता हूँ मैं।
अभी 9:30 हो चुके हैं रात के और मैं अभी घर में आ गया हूँ, ठीक है। तो मतलब आज काम ज़्यादा था तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, पर जितना बनाया होपली आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं अब्बू के घर में हूँ, अब्बू आपको पता है मेरा बड़ा भाई है, तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ पार्टी कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास है कौन कौन। ये है समीक्षा, ठीक है, तो ये भांजी मेरी, ठीक है, दांत देखो इसके। ये है भाभी अविनाश की, मतलब अबू की बीवी मानसी भाभी, आप इनको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं मानसी अभी के नाम से ना। हाँ। तो एक्चुअली में हम लोग पार्टी कर रहे हैं इसका तीनों। ये पहले बताना कि है क्या, भाभी ने पहले बोल दिया चुप चुप हो जा सातवीं फेल चुप। एक शब्द नहीं। तो बनाना चिप्स है, कमेंट में बताना किस किस ने खाया है। तो एक्चुअली ना हिमाचल से लाए थे ये, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, एक्चुअली क्या दीदी लोग पहले ना तो चेन्नई में ट्रांसफर थे, जीजा लोग तो वहाँ से लाते थे चेन्नई वाला, तो ये मुझे पता कि हल्दीराम भी लाता है। तो चलो आप फिलहाल इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ये खाने के बाद फिर बताता हूँ मैं कि करना क्या आगे हमने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है 16 अक्टूबर और यार एक ही ब्लॉक में तीसरी बार मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, रात को मैं भाभी के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ पर टाइम लग गया, बाद में भाई भी आ गया था तो टाइम लग गया, तो फिर मैं घर गया और जल्दी सो गया, क्योंकि आज सुबह ना एक्चुअली मेरे किसी कस्टमर के साथ ना डील थी मॉर्निंग में, तो उस वजह से मैं जल्दी फिर मतलब सो गया था रात को जाके ना, तो इसलिए मैं फिर कुछ शूट कर पाया नहीं। तो फिलहाल अभी मैं आ गया ऑफिस में, तो काम वाम ख़त्म हो गया है, तो आज संडे है, पता है कि मतलब संडे के दिन ज़्यादा काम वाम तो होता नहीं है, तो बस अब आज इधर ही ऑफिस में बैठूँगा तो थोड़ा सा मतलब वीडियो एडिट वगैरह करूँगा। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि ब्लॉग ना लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अब घर में पेंट का काम भी ख़त्म हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं दिवाली के रिगार्डिंग ही बनाऊँगा, मे भी हो सकता है, क्या पता अगर कुछ और चीज़ मुझे मिलता है मतलब आपको दिखाने के लायक तो मैं ज़रूर वो शेयर करूँगा। बट फिलहाल अभी ऐसा ही है कि बस अब वीडियो एडिट करता हूँ और ये अपलोड आज कर दूंगा, मतलब मैं शाम तक तो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सी यू गाइस, तो मिलते हैं अब अपने अगले ब्लॉग में। तो आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा बुरा भी लगा होगा, तो जो भी मतलब अगर आपको फीडबैक देना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिए करें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना सीख कर ही धीरे धीरे पता लगता है ना। तो चलो हमने तो कौन सा मतलब क्या ही कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर फन। तो ठीक है, तो टेक केयर एवरीवन, तो आप सब लोग ख्याल रखिए, आप आपके परिवार वाले और जितने भी मेरे रिलेटिव जो मुझे देख के हंस रहे होंगे उनको लव यू। तो ठीक है, बाय, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तो बाय।